अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ आतिक रहमान। आज की लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लाइनियर इक्वेशन को। ये जो टॉपिक हैं ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का अगर आपने शुरू करना था तो सबसे पहले आपने लाइनियर इक्वेशन को सही तरह समझना है। लाइनियर इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन क्या चीज होती है, इसके लिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। एग्जांपल में 2+3=5 लिखा है, बहुत आसान डिफिनेशन है। अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन क्या होता है तो आपने सिंपल बताना है दिस equals that which is called, क्या पढ़ेंगे, equation पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, equation, this equals that which is called equation। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल करता है इक्वेशन क्या है तो आपने सिंपल बताना है जहां साइन ऑफ इक्वलिटी शामिल हो, ये हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास साइन है किस चीज का, इक्वेलिटी का, यानी बराबरी का साइन है। जहां पर ये बराबरी का साइन शामिल हो उसको हाथ में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है। यानी आसान अल्फाज में आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, जब राइट बराबर होता है लेफ्ट के उसको कहा जाता है इक्वेशन, जिसके लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है 2+3=5। आप इस तरह बोल सकते हो 5+2=7, 7+2=9, क्लियर है। तो इसको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है इक्वेशन को, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल। आप इस तरीके से भी जो है ना इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हो कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो चीजें हमारे पास क्या है, बराबर है। जैसे कि 2+3 को मैंने इक्वल रखा है 5 के, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्वेशन। इक्वेशन की पहचान किस चीज से होती है, साइन ऑफ इक्वलिटी। जहां साइन ऑफ इक्वलिटी हो आपने इक्वेशन पढ़ना है, जहां वर्ड इक्वेशन होगा वहां पर आपको साइन ऑफ इक्वलिटी नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं लाइनियर इक्वेशन के ऊपर। लाइनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, लाइनियर इक्वेशन को समझने से पहले ये जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। आप इन प्रॉब्लम्स को देखें। प्रॉब्लम नंबर वन ये है, एक नंबर में अगर प्लस करें 6 को तो हमारे पास आएगा 10। क्या लिखा है, अ नंबर प्लस 6 गिव्स अस 10। तो आप मुझे बता दें फाइंड दैट नंबर, वो नंबर क्या होगा, यानी अगर हम 6 को जमा करें एक नंबर में तो हमारे पास 10 हासिल होना चाहिए। तो आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं जिसमें 6 को जमा किया जाए, तो आप आसानी से मुझे बता सकते हैं वो कौन सा नंबर होगा, 4। यानी 4 में अगर आप 6 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 10। अब इसको इजीली कैसे लिखेंगे, इसको इजीली आपने ऐसे लिखना है, एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। अब x किस चीज को असाइन कर रहा है, x किस चीज को डिनोट कर रहा है, 4 को डिनोट कर रहा है। यानी अगर आप x को 4 रखेंगे, 4 में 6 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, 10। इसी तरह अगर आप प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा है, एक नंबर से क्या कम, अच्छा एक नंबर से अगर 5 को कम किया जाए तो
तो हमारे पास क्या सेल होना चाहिए? 20। तो आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं? आप आसानी से मुझे वो नंबर बताएंगे, वो नंबर हमारे पास है 25। यानी 25 में से अगर हम 5 को कम करें तो हमारे पास डायरेक्ट क्या सेल होगा? 20। अब इसको इजीली कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका ये है, अगर एक्स में से डिक्रीज करें किस चीज को? 5 को, तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा? 20 आएगा। वैसे x किस चीज को डिनोट कर रहा है? 25 को। 25 को अगर आप x की जगह पुट करेंगे, 25 से 5 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 20। इसी तरह अगर आप प्रॉब्लम नंबर 3 को देखेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास क्या है? 4 एडिट टू अ नंबर। अगर एक नंबर में 4 को जमा किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। क्या लिखा है? 4 एडिट टू अ नंबर गिव्स अस 7। यानी एक नंबर में अगर 4 को जमा किया तो वो नंबर क्या होगा जिसमें अगर आप 4 को जमा करेंगे डायरेक्ट 7 आएगा? तो आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे वो नंबर हमारे पास है 3। यानी दिन में अगर आप 4 को जमा करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा? 7। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? x प्लस 4 इक्वल टू 7 लिखेंगे। अगर आपने x को फाइंड करना है, यानी x को अगर आपने 3 लाना है, तो 3 को लाने के लिए 4 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होएगा। इसी तरह अगर आप प्रॉब्लम नंबर 4 को देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्या लिखा है? 5 मोर देन ट्वाइस नंबर। यानी अगर एक नंबर को डबल करें फिर उसमें इजाफा करें किस चीज का? 5 का, तो हमारे पास क्या सेल होना चाहिए? 15। तो ये भी आप इजीली हमें बता सकते हैं वो नंबर 5 है। यानी 5 को अगर आप डबल करेंगे तो 10 आएगा, 10 में अगर आप इजाफा करेंगे 5 का तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा? 15। इसको लिखने का क्या तरीका कार है? इसके लिखने का ये तरीका कार है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। यानी 5 को अगर मैं x रखूं, x को 2 से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, 10 में 5 को ऐड करूंगा तो हमारे पास आएगा 15। इसी तरह लास्ट प्रॉब्लम को देख लें। लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? A number divided by 2, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करें किस चीज से? 2 से, gives us 10। हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? 10। तो इसका आंसर भी आप मुझे इजीली बता सकते हैं, वो नंबर हमारे पास क्या होगा? 20 होगा। अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा? 10। तो इसको लिखने का तरीका भी ये है, x divided by 2 which is equal to 10 लिखेंगे। अब ये जो आपको इक्वेशंस नजर आ रहे हैं, असल में हमने डिस्कस करना था लाइनियर इक्वेशन को। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आए हैं, ये हमारे पास सारे क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं। इक्वेशन के लिए मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने स्टार्ट में बताया था, आइडेंटिफिकेशन इक्वेशन की कैसे करनी है, पहचान कैसे करना है, जहां साइन ऑफ इक्वलिटी शामिल हो उसको आपने इक्वेशन पढ़ना है। लाइनियर इक्वेशन को समझने से पहले, सबसे पहले अगर मैं यहाँ क्वेश्चन ये करूं कि यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है, तो आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे x हमारे पास क्या है? x हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल हमारे पास क्या है? x है। वेरिएबल को दूसरे अल्फाज में आप लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं? अननोन भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? अननोन। x हमारे पास वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ फिर से क्वेश्चन करूं इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप हमें बताएंगे इसका हाईएस्ट पावर हमारे पास है 1। बस आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आपसे कोई सवाल करता है या आपने लाइनियर इक्वेशन को डिफाइन करना था, तो आपने सिंपल बताना है वो इक्वेशन, वो इक्वेशन, वो इक्वेशन, वो इक्वेशन, वो इक्वेशन। लाइनियर इक्वेशन कहलाता है जिस इक्वेशन में वेरिएबल या अननोन की हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। तो यहां पर भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। तो ये सारे इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड लाइनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको? लाइनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको? लाइनियर इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? लाइनियर इक्वेशन। इसको डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से,
लाइनर इक्वेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल विथ पावर ऑफ वन इज कॉल्ड, क्या पढ़ेंगे, लाइनियर इक्वेशन। बहुत आसान डिफिनेशन है। कौन सा इक्वेशन लाइनियर इक्वेशन है? वो इक्वेशन लाइनियर इक्वेशन कहलाता है, इसकी डिफिनेशन है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर वन हो। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वन हो वो क्या कहलाता है, हमारे पास लाइनियर इक्वेशन है। यानी कैसे डिफाइन, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल, यानी वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या हो, वन हो, इस कॉल्ड कहलाता है लाइनियर इक्वेशन। एक डेफिनेशन इसका ये है। सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको आप डेफिनेशन वन का नाम दे दें। सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लाइनियर इक्वेशन। हर वो इक्वेशन लाइनियर इक्वेशन कहलाता है जिसका फॉर्म बिल्कुल, जिसका शक्ल इससे मिलता जुलता हो, ए एक्स प्लस बी। अब ए और बी क्या है ये भी साथ में लिखें, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी हमारे पास क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर वो सारे नंबर्स कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर के अलावा वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, फाइव हो सकता है, हंड्रेड हो सकता है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रेडिकल में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, लेकिन ए सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर वो इक्वेशन फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइनियर इक्वेशन कहलाएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बकायदा इसी लाइनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास मेथड क्या होगा, उसके लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड होगा ट्रांसपोज मेथड। ये जो मैंने रेड में लिखा है, ये जो मैंने रेड में 4 लिखा है, 25 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 20 लिखा है, ये सारे हमारे पास x की वैल्यूज हैं और यही वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये सॉल्यूशन इंशाल्लाह हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।